हेलो फ्रेंड, मैं नयन सिंह, फिजियोथेरेपिस्ट। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हमको कब सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है L4, L5, S1 की प्रॉब्लम में। अगर आपको जो है पैरों की कोई दिक्कत हो रही है और आपको किसी ने सर्जरी का सजेशन दिया है, चाहे आपने MRI करवाया है या नहीं करवाया, अगर MRI करवाया और आपको किसी ने सजेस्ट किया कि आपको MRI की बाद जो अब आपको सर्जरी की ज़रूरत है, डिस्क प्रोलैप्स हुआ था या डिस्क स्लिप हुआ था और आपके पैरों में दिक्कत हो रही है तो कब ज़रूरत पड़ती है, तो चार ऐसे सिम्टम जो आपको अगर इंक्लूड होते हैं आपके प्रॉब्लम में और दिक्कत बढ़ती आती है सीवियरिटी के साथ में, तो आपको सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। तो बहुत कम शब्दों में छोटा सा वीडियो है, पूरा देखना। वैसे मैंने इस पर ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना रखे हैं, तो उनको आप आई बटन पे आके डिटेल में देख सकते हैं। इसमें मैं आपको शॉर्ट वीडियो में आपको बताऊंगा जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। तो फ्रेंड चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्वाड्रा इक्विना सिंड्रोम CES। तो फ्रेंड पहले मैं आपको बता दूं क्वाड्रा इक्विना होता क्या है, क्योंकि मेन बात इसी पे होने वाली है, यही मेन है, इसी में प्रॉब्लम होगी, इसी में सिम्टम आपको ये मिलेंगे जो मैंने चार आपके सामने लिखे हैं। तो फ्रेंड शायद आपको क्लियर नहीं दिख रहे हो, अब दिख रहे हो, लेकिन फ्रेंड मैं आपको बता दूं क्वाड्रा इक्विना लंबर में 5 हड्डियां होती हैं, लंबर की L1, L2 और तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं क्वाड्रा इक्विना क्या होता है। क्वाड्रा इक्विना लंबर में हमारे 5 हड्डियां होती हैं कमर में, और कमर सैक्रम आ जाती है, फिर कॉसेक्स आ जाती है। तो फिर एक क्वाड्रा इक्विना ये जो है क्वाड्रा इक्विना लंबर की L1 L2 पे आके जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड एंड हो जाती है, उसके बाद एक नर्व्स का गुच्छा निकलता है जो कि जो है L1 L2 के बाद जो नीचे को आता है और हमारे जो है वितरित होता है ये नर्व्स का गुच्छा इधर उधर को पैरों के लिए, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ यही है मेन, इसी में मिलता है। मैं आपको पहले बताऊँगा, देखो मसल की वीकनेस, अगर पेशेंट के मसल वीकनेस होती है, यानी कि मसल पेशेंट जो है चलने में नहीं चल पा रहा है, फुट के मतलब अगर चलता है तो वो मतलब फुट के हिसाब से अगर उसका पंजा खींच के देखा जाता है तो पंजे पे जो है नहीं चला पा रहा है, तो उसको सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। और उसको हील के ऊपर चलने को कहते हैं, हील के ऊपर नहीं चल पा रहा है, और अगर जो है ट्वाइस के ऊपर चलने को कहते हैं तो पैर की उंगलियों के ऊपर भी नहीं चला पा रहा है, पैर को नहीं चल पा रहा है, वो घूम नहीं पा रहा है, तो समझ लीजिए उसको सर्जरी की इमीडिएटली आवश्यकता है। अब मैं ये चार ऐसे पॉइंट आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ बहुत ही छोटे से वीडियो में। अब नंबर 1 की बात, इधर 2 की बात करें, ब्लैडर बॉल कंट्रोल लॉस, अगर पेशाब का और लैट्रिन का पता नहीं चलता है, कब आ रही है, पेशेंट को पता ही नहीं चलता मेरी पेशाब का जो है कब आई और कब चली गई, उसको अनकंटिन्यूसली पेशाब जो है यूरिन का जो है अनकंटिन्यूसली हो जाता है, तो उसको जो है पक्का इमिडिएटली सर्जरी की आवश्यकता की ज़रूरत है। अब मैं यहाँ नंबर 3 की बात करता हूँ, सैडल एनेस्थेसिया। तो सैडल एनेस्थेसिया क्या होता है कि पेशेंट का जो प्राइवेट पार्ट होता है उसमें जो है वो पेशेंट जो कि पता नहीं चलता उसको मतलब सेंसेशन जेनाइटल एरिया का, जैसे हमारे कुछ ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि एनस हो गया और इधर हो गया पेल्विक में पेनिस हो गया, वजाइना हो गया, और इधर अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया यानी कि नाभि से नीचे थाई बटक, इस एरिया में अगर हमको सेंसेशन का पता नहीं चल रहा है तो हमारे सैडल एनेस्थेसिया कहलाता है, इधर जो हमको ये प्रॉब्लम हो रही है, अभी इमीडिएटली ज़रूरत है, अगर ये प्रॉब्लम बढ़ रही है तो सर्जरी की जरूर आवश्यकता है। अब नंबर 4 करते हैं, नंबलेस और लॉस ऑफ सेंसेशन इन फुट, अगर पेशेंट का पैर में सेंसेशन चला जाता है और जो है चप्पल पहना हुआ है, कब पैर से निकल गई चलते चलते पता ही नहीं चल रहा, तो अब जो है उसको फुट में से ऐसा जब होता है तब उसको सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। अब मैं आपको बता दूं ये चारों सिम्टम अगर सीवियरिटी के साथ बढ़ रहा है तो जरूर सर्जरी की आवश्यकता है। और मैं आपको बता दूं ये जो है सर्जरी में होता क्या है, सर्जरी मतलब क्यों करानी जरूरी है, क्योंकि डिसेक्टोमी, अगर डिस्क अगर दब रही है, डिस्क की वजह से कोई प्रॉब्लम नीचे आ रही है तो डिस्क निकली है उसको मतलब जो है ऑपरेट करके जो है डिस्क को ठीक कर दिया जाता है, डिसेक्टोमी कहलाता है। अगर कैनाल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कैनाल तो कैनाल में मतलब नैरो हो रही है, कैनाल दब रही है, कैनाल में जगह बनाने के लिए लेमिनोक्टोमी करी जाती है। तो फ्रेंड अगले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा कि लेमिनोक्टोमी और कौन कौन सी प्रॉब्लम होती हैं डिस्क के अंदर जो है स्पाइनल कॉर्ड में, या फिर जो हमारे लंबर रीजन में कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है डिस्क से जुड़ी, हमें कब सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है कब नहीं, तो इतना आप समझ लीजिए। और मैंने अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो आई बटन पर आकर आप देख सकते हो, 2-3 वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं
कि कब हमको जो है सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। यही ऐसे ही पार्ट आपको बने हुए मिलेंगे, लेकिन डिटेल में होंगे, बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। उन वीडियोस को भी आप जाके देखना, आपको बेहद आपको जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को भी आपने अच्छा सपोर्ट दिया है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और फ्रेंड, मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम सब पे फॉलो कर लीजिए, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप अभी आके आप अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन लीजिएगा, और अगर आप मेरे से किसी प्रकार की कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे जाके आप बात भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि इन प्रॉब्लम्स में ही जो सर्जरी की जरूरत पड़ती है, वैसे ज़्यादातर पेशेंट ऐसे ही ठीक हो जाते हैं, सबको ज़रूरत नहीं पड़ती है सर्जरी की, कुछ कुछ लोगों को ही पड़ती है, वरना सारे पेशेंट ऐसे ही फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, मेडिटेशन और मेडिसिन से सब ठीक हो जाते हैं। तो फ्रेंड, अगर ये सिम्टम बढ़ रहे हैं तो ज़रूर आवश्यकता है सर्जरी की। और फ्रेंड, मैं आपको बता दूँ कि मेरे वीडियो सारे इंटरनली लिंक होते हैं, आई बटन पे आके आप देख सकते हैं सारे वीडियोस को, प्लेलिस्ट भी बना रखी मैंने लो बैक पेन की, और फिर एंड स्क्रीन कार्ड पे मैं ऐसी वीडियो डाल देता हूँ जिससे कि आपको ट्रीटमेंट के बारे में पता चल सके, डायग्नोस के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में, डिस्क प्रोलैप्स, सियाटिका और हर्निएशन डिस्क, और जो है हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी प्रॉब्लम, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, पैरालिसिस, ऐसे सारे वीडियो मैंने बना रखे हैं फ्रैक्चर से जुड़े। तो उनको आके आप अच्छा प्यार दीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, अपना रखिए ख्याल।